आइए अब देखते हैं हमारा सबसे एक्सपेंसिव और फेवरेट टूल। हर आर्ट का एक आर्टिस्ट होता है और यह है मेरी आर्ट। एवरीवन, आप लोगों के कहने पर मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही बड़ा यूनिक वीडियो बॉन्साई के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितने सारे बॉन्साई, ये सारे बताऊंगा एक एक करके। बट आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि और ऐसे यूनिक वीडियोज आप देख सकें। हर क्रिएटिविटी के पीछे एक क्रिएटिव माइंड होता है, तो उस क्रिएटिव इंसान का इंट्रोडक्शन भी जरूरी है ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र सिंह चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल है बॉन्साई हंटर के नाम से। मैं पिछले कई सालों से बॉन्साई के अंदर हूँ। लगभग 20 सालों से मैं बॉन्साई के ऊपर काम कर रहा हूं और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये मैंने क्रिएट किया है। मैं बॉन्साई क्लासेस भी लेता हूं। आइए देखते हैं हमारा गार्डन। ये है हमारा बोगनवेलिया, शोहिन कैटेगरी का बोगनवेलिया है जो अभी फुल ब्लूम पे है और आप इसे क्लोजअप से देखिए, काफ़ी मैच्योर इसका ट्रंक है और इसके अंदर रेमिफिकेशन भी अब स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग इसकी बॉन्साई पॉट के अंदर होगी। हमारा रूट ओवर रॉक बनियान बॉन्साई है। इसके अंदर हमने रॉक के ऊपर प्लांट को लगाया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी रूट्स हैं जो रॉक के ऊपर आई हुई है। इस तरीके से रूट्स को एक्सपोज करके रॉक के ऊपर लगाया जाता है तो उसे हम एक्सपोज रूट बॉन्साई बोलते हैं। ये हमारा हिबिस्कस है, इसे हमने ट्विस्टेड ट्रंक कैटेगरी के अंदर डिज़ाइन किया है और अभी इसका जो कैनोपी है उस पर काम काफ़ी बाकी है। पतझड़ की वजह से अभी इसका ग्रेस पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन जो इसका ट्रंक है वो बहुत ही खूबसूरती से, आप बैंड देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारी बॉन्साई की एक कैटेगरी है जिसे फुल कास्केट कहते हैं। इसमें हमने पारस पीपल को फुल कास्केट के अंदर डेवलप किया है। फुल कास्केट के अंदर जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो पॉट से नीचे होता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सारी ब्रांचेस नीचे की तरफ ग्रो हो रही है। ये हमारी गुडल की बॉन्साई है और इसके अंदर जो बॉन्साई का स्टाइल है उसे हम बोलते हैं विंड स्वेप्ट। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ी से तूफान आता है बरसात के साथ तो जो पेड़ होते हैं हमारी उनकी सारी ब्रांचेस एक तरफ मूव कर जाती है और इसके अंदर भी हमने इसे इसी स्टाइल में ग्रो किया है। यहाँ पे जो सारी ब्रांचेज हैं उनका डायरेक्शन एक तरफ है, इस तरफ से तूफान आ रहा है और ब्रांचेज एक की तरफ मुड़ी हुई है। ये एक्सपोज रूट स्टाइल बॉन्साई है। एक्सपोज रूट के अंदर जो रूट्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है। ऐसा सॉइल इरोजन के कारण होता है, तेज पानी के बहाव से मिट्टी कट जाती है पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे रूट्स जो होती है उनसे मिट्टी हट जाती है तो रूट्स एक्सपोज हो जाती है। और इसे हमने एक रॉक के अंदर, आप देखिए किस तरीके से इसके अंदर फिट किया है, तो मुझे रॉक्स भी बहुत पसंद है और रॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे ट्रंक को लगाया है। नॉर्मली हम रूट्स को रॉक के ऊपर लगाते हैं लेकिन ये ट्रंक इन रॉक बॉन्साई है। हर आर्ट का एक आर्टिस्ट होता है, मैं हूँ एक आर्टिस्ट और यह है मेरी आर्ट, यह है मेरी जेड बॉन्साई। यह है हमारी जेड बॉन्साई जिसे हमने कुछ समय पहले एक रॉ मटेरियल से तैयार किया था, इसका ब्रांच सिलेक्शन किया था और इसकी वायरिंग करी थी।
आज हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, इसकी प्रूनिंग करने वाले हैं। आइए इसकी प्रूनिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हमने इसे डेवलप किया है। यहाँ पे हमने पहले ब्रांचेस को ग्रो होने दिया है, लंबा होने दिया है, उसके बाद हम उन्हें प्रून बैक करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो पैड्स का क्रिएशन होता है और रेमिफिकेशन होता है। अंदर से ग्रो होने वाली ब्रांचेस को आपको रिमूव कर देना है, ये सकर्स होती है और डिज़ाइन को डिस्टर्ब करती है। हमारा जो एपेक्स है इसके अंदर ये ब्रांच अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, इस तरह की ब्रांचेस को भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी जो बॉन्साई होती है उसके नीचे की ब्रांचेस ब्रॉड होती है, लंबी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रांचेस पतली होती है और कॉम्पैक्ट होती जाती है। जब इस तरीके से हम ब्रांचेस की डिज़ाइन करते हैं तो बॉन्साई का लुक निखर के आता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जेड प्लांट का? तो इसकी फर्स्ट स्टाइलिंग हो चुकी है, अब इसकी रीवायरिंग का समय आ चुका है। तो जितने भी अब यहाँ पर ब्रांचेस के साथ जो वायर लगी हुई है वो सारी हटेगी और रीवायरिंग होगी और उसका वीडियो आएगा हमारे बॉन्साई हंटर चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, पार्ट टू ही समझ लीजिए इस पूरे वीडियो का। तो ज़रूर जाकर चेक करना उस चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना। ये है हमारा रूट इन रॉक। इसके अंदर हमने एक रॉक के अंदर प्लांट को लगाया है। ये ऑस्ट्रेलियन फाइकस की स्पीशीज़ है जिसे हमने इस रॉक के अंदर ग्रो किया है। इसे कहते हैं रूट इन रॉक बॉन्साई। यह है हमारा बनियान बॉन्साई जिसे हमने एक रूट से डेवलप किया है। एक एरियल रूट को हमने ग्राफ्ट किया है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमने ग्राफ्ट किया है। रूट का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी खूबसूरत लगा तो हमने रूट को लेके उसके ऊपर ग्राफ्ट किया। ये है हमारा जेड रूट ओवर रॉक। इसके अंदर अगेन हमने रॉक के ऊपर जेड को लगाया है। अम्ब्रेला स्टाइल है इसका। ये हमारा जो बॉन्साई है इसे हमने स्टैचू बॉन्साई के रूप में डेवलप किया था और अब इसका जो कैनोपी आप देख रहे हैं, इसकी कैनोपी पे हमें काम करना है, उस थोड़ा वक्त लगेगा। रॉक के ऊपर हमने एक स्टैचू लगाया था और स्टैचू के ऊपर हमने हमारे प्लांट को इस तरीके से लगाया है। इस स्टाइल को स्टैचू बॉन्साई बोलते हैं। यह है हमारा बनियान जिसे हमने एक टायर के अंदर लगाया है, ट्विस्टेड ट्रंक। अगेन बनियान, इसके अंदर भी हमने ट्विस्टेड ट्रंक लिया है और धीरे धीरे ये शेप आने लगा है। एक्सपोज रूट भी है इसके अंदर और ट्विस्टेड ट्रंक भी है। यह है हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट बॉन्साई। इसके अंदर हमने बनियान को पॉट के ऊपर लगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी रूट्स पॉट के ऊपर है। नॉर्मली प्लांट्स को पॉट के अंदर लगाया जाता है। यह है हमारा अर्डेनियम जिसे हमने सेमी कास्केड स्टाइल के अंदर पॉट में लगाया है। इसके अंदर हमने पॉट को काट के इसे इस तरीके से ग्रो किया है। दोस्तों, किसी भी बॉन्साई को डिस्प्ले करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने हमारा ये जो बनियान रूट ओवर रॉक है इसे डिस्प्ले किया है एक फ्रेम के साथ। फाइकस लोकाबोआ, इसे हमने डिस्प्ले किया है एक केज में। किस तरीके से देखिए आप, एक पंछी पिंजरा तोड़ के बाहर आ रहा है। यह है जैपनीज लैंटर्न। जापान के अंदर इस तरह के स्टोन के लैंटर्न होते हैं जिसके अंदर दिए को रखा जाता है। लैंटर्न के साथ साथ हमने बेम्बू का यूज़ किया है ताकि गार्डन को एक नेचुरल लुक दिया जा सके।
ये हमारा एक बनियान है जिसे हमने एक रॉक के ऊपर ग्रो किया है। इसकी रूट एक्सपोज हो चुकी है। ये हमारा अंगकोर वॉट थीम के ऊपर प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना बाकी है। यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे और उसके अवशेष इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाएंगे। तो अभी ये फर्स्ट स्टेज में है, रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है। अब हम मंदिर की कार्विंग करेंगे और नेचर के साथ किस तरीके से अंगकोर वॉट के अंदर स्टोन्स बिखरे रहते हैं वो पूरी थीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चेरी बॉन्साई, इसके अंदर हमने शेपिंग बाय वायरिंग नहीं करी है। आप देखिए कहीं पर भी कोई वायर नहीं है। क्लिप एंड ग्रो टेक्निक, बॉन्साई की एक टेक्निक होती है जिसमें हम वायर का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस टेक्निक में हमने बिल्कुल भी वायर का यूज़ नहीं किया है। देखिए आप कहीं भी कोई वायर नहीं है। क्लिप एंड ग्रो टेक्निक, इससे हमने डेवलप किया है चेरी बॉन्साई। बनियान बॉन्साई, अम्ब्रेला स्टाइल बनियान बॉन्साई। बनियान की जो बॉन्साई होती है उसकी कैनोपी ब्रॉड होती है, जैसा कि चौपाल के अंदर आपने देखा होगा गांव में बनियान का ट्री होता है, हमने उसी की कॉपी करी है। और यहाँ पे हमने एक बुद्धा भी लगाया है जो कि ध्यान में बैठा हुआ है और रूट्स ने बुद्धा के शरीर को कवर कर लिया है। इससे इसके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी नज़र आती है। दोस्तों, चाइना के अंदर जो बॉन्साई होती है उसे पेंजिंग बोलते हैं। पेन साय, पेन एक स्लैब होता है और साय प्लांट होता है। इसके अंदर हम पूरा एक लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। जापान में जो बॉन्साई की आर्ट है उसके अंदर हम एक सिंगल ट्री के ऊपर काम करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर पूरा लैंडस्केप बनाते हैं जिसके अंदर ट्री होता है, फिगराइंस होते हैं, प्लांट्स होंगे, वाटर बॉडी होगी, सब कुछ एक छोटी सी जगह में हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज के नीचे से नदी है। क्योंकि ये ड्राई है इसलिए इसमें हमने पानी नहीं भरा है। ये एक फिशरमैन है जो नदी के अंदर फिशिंग कर रहा है। हट है जो इसका रहने की जगह है। आप देखेंगे ये पूरा माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर ट्री है। ट्री के नीचे आप अगेन एक फिगराइंस देखेंगे, ये एक बूढ़े बासव हैं। जब हम किसी लैंडस्केप का क्रिएशन करते हैं तो स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ट्री के हिसाब से आप देखिए किस तरीके से आदमी की साइज़ है और उसी साइज़ के हिसाब से हट की साइज़ है। तो सबसे बड़ा माउंटेन है, उससे छोटा ट्री है और ट्री से छोटा यहाँ पर आदमी है। और इसी के साथ में आप देखिएगा जो ब्रिज है उसकी साइज़ भी आदमी के हिसाब से हमने बनाई है। तो लैंडस्केपिंग के अंदर, पेंजिंग के अंदर स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये हमारा चीकू का बॉन्साई है, सपाटा। और जब हमने इसे ग्रो किया तो ये लगभग 8 फीट का प्लांट था। यहाँ पे हमने इसे चॉप किया है, चॉपिंग टेक्निक से हमने इसे डेवलप किया है। इस बॉन्साई का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसे फोर हैंड बॉन्साई बोलते हैं। लगभग 4 हाथ की ज़रूरत पड़ेगी इसे उठाने में। ये हमारा एक और पेंजिंग है जिसके अंदर हमने ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर माउंटेन्स लगाए हैं, माउंटेन के ऊपर ट्री लगाया है, हट है और यहाँ पे 2 जने कॉफ़ी पी रहे हैं। तो पूरी थीम जो एक चाइनीज़ पेंजिंग के अंदर होती है, लैंडस्केप में होती है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। यहाँ पे हमने ट्रीज़ भी लगाए हैं, सकलेंट्स लगाए हैं ताकि ये कम ग्रो होते हैं, फास्ट ग्रोइंग नहीं होते हैं। ये जो हमारा मैदान है यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बफेलो भी हैं और बफेलो चराने वाला भी है। तो ये पूरा अपने आप में एक लैंडस्केप है। ये क्लिफ की तरह है। यहाँ पे हमने इन रॉक्स को जोड़ के, 3 से 4 रॉक्स को जोड़ने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। लोहे की सीढ़ी बनाई है और एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे हट है। तो पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक लैंडस्केप है। ये हमारा फाइकस है जिसकी रूट्स के ऊपर हमने काम किया है।
और जब हमने इसे डेवलप किया ये भी 4 से 5 फीट का था, और एरियल रूट्स को हमने यहाँ पे एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ किया है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है। तो ये है यूका का एक ग्रुप जिसे हमने हैंडमेड पॉट के अंदर लगाया है। देखिए किस तरीके से इसके अंदर बैंड्स क्रिएट किए हैं। ये खिरनी की बॉन्साई है और इसके अंदर हमने ट्रॉपिकल स्टाइल में इसे ग्रो किया है। वायर बाइट हुई है लेकिन हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वायर बाइट से एक टेक्सचर आया है और बहुत ही जल्दी कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो घाव आप देख रहे हैं ये भर जाएंगे। कुछ आर्टिस्ट वायर बाइट होने देते हैं, कुछ वायर निकाल देते हैं, तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। फाइकस आइसलैंड बॉन्साई काफ़ी पुरानी बॉन्साई है। हाल ही में हमने इसे रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर मॉस को लगाया है ताकि कुछ समय के लिए हम इसकी रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग स्टाइल की बॉन्साई को ग्रो करें। ये जो आप देख रहे हैं ये स्लैब के ऊपर बॉन्साई है, इसके अंदर पॉट का यूज़ नहीं हुआ है। स्लैब के ऊपर हमने जेड को एक सेमी कास्केट स्टाइल के अंदर ग्रो किया है। ये माउंटेन पेंजिंग है। पेंजिंग का एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ड्राई होता है और ये माउंटेन की तरह हमने इसके अंदर इसे स्टाइल किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माउंटेन का एक बिल्कुल रेंज है जिसे मार्बल की स्लैब के ऊपर हमने क्रिएट किया है। ये हमारा शेफलोरा है और अगेन एक्सपोज रूट इसके नीचे से लेके जो भी आप पार्ट देख पा रहे हैं सभी रूट्स हैं जो एक्सपोज हुई है, और एक अम्ब्रेला स्टाइल के अंदर शेफलोरा का हमने बॉन्साई क्रिएट किया है। ये हमारा एक बॉन्साई है जिसे हमने फ्लैट टॉप स्टाइल के अंदर ग्रो किया है। अफ्रीका के डेजर्ट्स के अंदर जो जिराफ होते हैं वे नीचे की ब्रांचेस को खा जाते हैं और जो डेवलपमेंट होता है वो ऊपर होता है। ऊपर से जो तेज सनलाइट होती है उससे ग्रोथ होती नहीं है और नीचे जो ग्रोथ होती है उसे जिराफ खा जाते हैं। तो इस स्टाइल को हम फ्लैट टॉप स्टाइल बोलते हैं। दोस्तों बॉन्साई के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि किन टूल्स से हम हमारी बॉन्साई को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो सीजर होता है। प्रूनिंग करने के लिए, ब्रांच की प्रूनिंग करने के लिए हम सीजर्स का यूज़ करते हैं। ये जो सीजर्स होती है इसका स्टील हाई क्वालिटी का होता है जिससे हम आसानी से किसी भी ब्रांच को काट सकते हैं। सीजर्स कई तरह की होती है। इस तरह की सीजर्स ज़्यादातर यूज आती है जिसका लॉन्ग हैंडल होता है। नंबर 2 वायर कटर। किसी भी बॉन्साई को शेप देने के लिए वायर्स का यूज होता है और वायर्स को काटने के लिए वायर कटर। वायर कटर इस तरीके से वायर को काट देता है आसानी से। नेक्स्ट हमारा टूल है कॉनकेव कटर। कॉनकेव कटर कुछ इस तरीके का होता है। जब हम किसी ब्रांच को काटते हैं
तो इस तरीके से ब्रांच के अंदर एक नॉब का टुकड़ा रह जाता है जिसे हम नॉब कटर से काटते हैं। नॉब कटर कुछ इस तरह का होता है, ब्रांच को नॉब कटर से अगर हम साइड से काटें तो इस तरीके से कटेगी। और ये जो आप घाव देख रहे हैं ये धीरे धीरे कैलस बन के फिल हो जाएगा। तो नॉब कटर का यूज़ नॉब्स को काटने में आता है। कॉनकेव कटर सबसे पहले ब्रांच को काटता है, उसके बाद नॉब कटर से उसे अंदर तक काट दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टूल है ब्रांच स्प्लिटर। ये ब्रांच को स्प्लिट करता है। जब हम इस तरीके से ब्रांच को स्प्लिट करते हैं तो उसे बेंड करने में आसानी हो जाती है। आइए अब देखते हैं हमारा सबसे एक्सपेंसिव और फेवरेट टूल। ये हाई क्वालिटी स्टील से बना है, गारंटेड है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी दी है रॉबर्ट स्टीवन ने, रायुगा कंपनी का है। इससे हम मोटी मोटी ब्रांचेस को भी आसानी से काट सकते हैं, इससे हम वायर्स को भी काट सकते हैं, ये वायर को भी काट देता है। होप कि दोस्तों बॉन्साई देख के मज़ा तो आ ही गया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने बॉन्साई के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, देखा है, और बॉन्साई हंटर चैनल को ज़रूर एक बार विजिट करना। अब मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और हाँ, इसका पार्ट 2 आने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो बिल्कुल भी मिस ना हो।